Hello viewers, so I hope you all are fine. So today I'm coming with a new video related to digital library management system. Lot of my friends request me to record a new video on bug fixing. So here I am with a new video. तो इस वीडियो में मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे बग्स फिक्स कर दिए हुए हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो प्रोजेक्ट इससे पहले पब्लिश था उसी के कोड के अंदर मैंने मॉडिफिकेशन करते हुए कुछ उसका इंटरफेस इस तरीके से डिज़ाइन किया है जैसे कि अभी आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैंने कुछ अर्सा पहले जो है वो एक वीडियो पब्लिश की थी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की, जिस वीडियो ने ऑलमोस्ट 180 के व्यूज़ को विद इन 1 ईयर क्रॉस कर दिया, और उसकी रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। तो अभी तक वो प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा है, उसके बग्स जो हैं जैसे से अपडेट्स और फीडबैक्स मिलते हैं हम लोग उस बग्स को फिक्स कर देते हैं। तो अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मेरे से इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये लाइव इंस्टॉलेशन भी करवा दूंगा आपके सिस्टम में। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट तो हमने कर ही दिया है। तो यहाँ से बात कर लेते हैं इंटरफेस की। लॉग आउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ये हमारे पास एक एडमिन साइड थी और एक हमारे पास स्टूडेंट लॉग इन है। पहले तो बात कर लेते हैं एडमिन साइड की, जो कि आप सब लोग जानते हैं। अगर तो आप मेरी वीडियो पे नए आए हैं तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो पासवर्ड जो है वो गलत है, 1 2 3। सो हमारी जो एडमिन साइड है वो लॉगिन हो गई है। अब यहाँ से आप ऐड बुक कर सकते हैं, लाइक कोई भी बुक का नेम रख सकते हैं। मैं कहता हूँ न्यू ईयर 2022, no author Mr. Developer, publisher सलमान, ब्रांच। आप इधर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। प्राइस की 200 रख देते हैं। यहाँ से आप बुक की तस्वीर डाल सकते हैं अगर आपके पास कोई इमेज मौजूद होगी तो। सो मैं बी के लिए कुछ ये इमेज डाल देते हैं, ठीक है। तो ये इमेज जैसे हम लोग करेंगे तो हमारे पास सबमिट हो गया है हमारा रिकॉर्ड। बुक रिपोर्ट के अंदर अगर आप रिफ्रेश करें इसे, बुक रिपोर्ट्स, तो न्यू ईयर 2022 आ गई हमारे पास। 2 बुक्स अवेलेबल हैं, उसकी इमेज हमारे पास शो हो गई है, उसकी प्राइस, उसका ऑथर्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। आप यहाँ से स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं कि कौन आपकी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर सकता है। साइन अप जो है वो बाहर नहीं रखा गया। अगर आप इसे बाहर रखना चाहते हैं तो इसे हम लोग बाहर भी रख सकते हैं। तो आप यहाँ से एक न्यू अकाउंट बना लेते हैं, लाइक सैफ इजाज, एंड पासवर्ड इज 1 2 3, एंड सैफ gmail.com। मैं इसका नाम रख देता हूँ सैफ 1 2 3। ओके, सो हमारे पास सैफ एक स्टूडेंट जो है वो क्रिएट हो गया। अब वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके इजीली बुक जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है। ये सारी अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई यूज़र, कोई स्टूडेंट आपके पास आपके इंस्टीट्यूट में आता है और वो कहता है कि मुझे ये बुक अलॉट कर दो, आप उसे यहाँ से डायरेक्ट अलॉट भी कर सकते हैं। लाइक मैं भी के लिए न्यू ईयर जो भी क्रिएट किया है मैं उसको साइन कर देता हूँ 6 डेज़ के लिए, सबमिट करता हूँ। तो वो सबमिट हो चुकी है। और साथ ही साथ अगर मैं दिखाऊँ बुक रिपोर्ट, तो अब हमारे पास सिंपल 1 बुक अवेलेबल है और 1 रेंट के ऊपर है। इशू रिपोर्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो रखो कि सैफ इजाज को ये बुक मिल गई है। उसकी डेट, आज की करंट डेट और आज से 7 दिन बाद की डेट जो है वो यहाँ पे शो हो रही होगी। फाइन के ऊपर काम जारी है, बहुत जल्द उसके ऊपर भी नई वीडियो आ जाएगी। सो आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। और मैं अगर सैफ के पोर्टल से जाकर लॉग इन करके देखूँ, सैफ 1 2 3 @ gmail.com, 1, 2, 3, 4. Oops, पासवर्ड ये नहीं था. 1, 2, 3. Password the 1, 2, 3. So we log in successfully. Password is safe. Request book. आप यहाँ से individual कोई book की request कर सकते हैं. अभी आपके पास ये book मौजूद है. आप यहाँ से return नहीं कर सकते क्योंकि अभी इसकी option मौजूद नहीं है. ठीक है, तो बहुत जल्द इसके और भी वीडियो आ जाएगी. सो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा मुझे काफ़ी बग्स को ठीक करने में, इसकी यूआई बेहतर करने में. अब बात कर लेते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इंटीग्रेट दिस प्रोजेक्ट इनटू योर सिस्टम. सो हियर इज अ डीबी फाइल व्हिच आई क्रिएटेड लाइक library_management and its admin page, book page, sorry, database table and request book user data. So what you have to do, you just go to developer, Mr. GitHub, and you find the first link. So आप यहाँ से ये वाला सिस्टम जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं. ये मेरा पुराने वाला है और एक नए वाला है. ठीक है, सो मैं लिंक नीचे ऐड कर दूंगा, आप वो वाला डाउनलोड कर लीजिएगा ये सेम इंटरफेस के साथ. ठीक है, आप यहाँ रिपोजिटरी से जाके मेरी न्यू रिपोजिटरी भी देख सकते हैं, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड हियर इज न्यू वन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑन 25 जून को जो रिलीज किया था. सो आई आल्सो अचीव दिस न्यू स्टार. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू who supports me, and if you don't subscribe my channel, please subscribe it for my upcoming videos. So अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कोडिंग साइड की. आपने इसको इंस्टॉल करना है. जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको मैं हायरार्की में दिखा दूँ. अभी तो यहाँ जिप फाइल है, जिप फाइल यहाँ से ओपन तो नहीं हो सकती, तो जिप फाइल पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा. Is ashidocs web engineering library project. So ये zip फाइल जो मैंने क्रिएट किया ये वो फाइल है. तो आपने इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है. यहाँ से आपको ये फाइल मिल जाएगी library_management. आपने इसका नेम जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रखना है. प्लीज चेक दिस नेम library_management. If you change this name, then what you have to do, you just go to this file, db.php file, and change the database name here. Okay, so it's very easy. You can create your own database with your own name, and what you have to do, you just replace your database name into this file, db.php. And on the other side, if you want to change the color scheme, so you can go there and check it out. What's the name of this file? It's user_dashboard. Just right click on this and press inspector, and just try to change the color of this one, like light green. So I'm changing this color like here we go. So you can select any color, and you just select the database CS file, which is style.css, and you can change the color of any div according to your own choice. So I hope you guys like this video, and if you like this video, please press the like button and also share this video with your friends. Thank you for watching this video, and thanks for your support, guys. So take care of yourself and your family. See you soon with a new latest video. So goodbye, friends. Hold on, guys, hold on. Sorry, I forget one thing. So guys, I want to ask something, or please suggest me a new playlist. Can new playlist किसके अंदर हो, like you wanna go for a game development or for online earning platforms or blogging, or you wanna start Android development with Java. So please suggest something new, creative, ताकि मैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पब्लिश कर सकूँ. Actually I am a game developer to be honest, so and web development is too much out of practice for me. That's why आपको जो मेरे ट्यूटोरियल्स हैं काफ़ी डिले के साथ मिल रहे हैं और मैं साथ साथ कंटेंट भी अपना थोड़ा चेंज करता रहता हूँ. So please don't mind, and if you guys are interested in game designing, development, and how to publish on Play Store and how to earn money from your games and from website, each and everything, so please suggest कीजिए और मुझे feedback दें ताकि मैं उसके ऊपर भी video create कर सकूं और आप लोगों को उसके हवाले से knowledge दे सकूं. मैं अभी आपको उसकी website नहीं दिखा सकता because it's personal, so मैं आपके साथ बहुत जल्द एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसे अपलोड करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ उसका रेवेन्यू भी शेयर करूंगा कि हम लोग एक गेम एक ऐप के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं. जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हम लोग बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाउ वी कैन अर्न मनी फ्रॉम आवर ओन प्रोडक्ट्स. So please stay tuned with me and please also share your feedback as well. Maybe your feedback helped me a lot of my learning and yours as well. So उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कुछ अच्छा response करेंगे ताकि हम लोग उसके ऊपर learning start करें साथ साथ और नए से नई videos आपको मिलती रहें. So at the end of this video I just request you please मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड फॉर बेयरिंग मी. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. नो अब मैं सच में जा रहा हूँ. सो गुड बाय.